अब तो तेरी शादी होने वाली है, तू मुझसे दूर हो जाएगी, दूसरे घर में जाएगी, अपने अलग घर में, वहाँ तेरे अलग अपने होंगे, उनको ही सब बताएगी ना, मुझे क्यों बताएगी? कोई बात नहीं, तुम मत बता। दी आरवी ने पहनाई है। आरवी? आरवी वो क्या जो दिवाली उत्सव पंडाल का स्पॉन्सर था? हाँ। वाओ प्यू, थैंक गॉड, थैंक गॉड तूने नहीं बोला कि कोई ऑटो वाला था, वरना कहती कि ऑटो वाला ना बुजुर्गों को फ्री लिफ्ट दे रहा था तो मेरा दिल आ गया। अभी तो तू बहुत दुखी थी और अब मैं सुपर डुपर खुश हूँ। और मैं भी। अच्छा वैसे आरवी का फुल नेम क्या है? फुल नेम मुझे नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो बहुत बहुत डैशिंग और हैंडसम है, हाय बिल्कुल हीरो की तरह, इतना कि बड़े बड़े हीरो फेल हो जाए उसके सामने, और उसका दिल, हाय उसका दिल तो इतना बड़ा है कि सब फिदा हो जाए उस पे। और इसको तो आग से बचाया था उसने। रियली? एकदम हीरो की तरह आया और अपनी हीरोइन को। एक मिनट, तुझे भी तो बचाया था उसने। हाँ पर मुझे थोड़ी अंगूठी पहनाई उसने। अरे यार वो अपने आप हो गया, एक्सीडेंटली अपने आप। एक्चुअली आशुतोष की स्कूटी आरवी की कार से टकराई और ये मेरी रिंग ये डब्बे से नीचे गिर गई। जब तक मैं आशुतोष की हेल्प कर रही थी आरवी रिंग वापस देने आया और गलती से मेरी फिंगर में रिंग डाल। वाव दी, हाउ रोमांटिक। दिया तू पागल है, मैंने कहा ना गलती से हुआ है। पर देख ये बात तो गलत नहीं है कि वो डैशिंग है, हैंडसम है, रिच भी है। प्यू बस एक बार मुझे बोलती हूँ, उसकी कुंडली निकलवाती हूँ, पता करती हूँ कि क्या करता है, कितना रिच है, कितना कमाता है, और तेरा रिश्ता लेके जाऊँ। क्या पता उसकी और तेरी एंगेजमेंट कल ही हो जाए। दी यार इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं बता रही, तू मुझे बस इतना बता कि हम रिश्ता लेके जाए। दिया मार खाएगी, तुझे पता है ना कल मेरी सगाई और मुझे आशुतोष पसंद है। आरवी क्यों नहीं पसंद? लुक्स के साथ साथ वो रिच भी है। क्या कर रहा है इतनी देर से? भाई ये आर्टिकल कहता है कि जो उसने कहा वो सही कहा। क्या? अरे ये आर्टिकल कहता है कि हमारे बाएं हाथ की रिंग फिंगर को अनामिका कहते हैं और इसका कनेक्शन डायरेक्ट दिल तक जाता है ब्रो, दिल तक। आवाज बंद कर। अरे तू देख तो सही एक बार। मैं नहीं आर्टिकल। शट अप। अरे देख तो सही एक बार। देखना है मुझे। अरे एक बार प्लीज। क्या बकवास है स्टूपिड आर्टिकल। क्या है? कहाँ है? देख देख। तुम्हें नहीं पता ये फिंगर रिंग है? इसमें एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनाई जाती है? नो। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? अरे इस फिंगर से एक नस दिल तक जाती है। अच्छा तो पूर्वी ने यही पढ़ा होगा और फिर उसने मुझे बोल दिया। पूर्वी? मतलब मेरा गैस सही था, तुम दोनों के भाग्य में कुछ ना कुछ तो जरूर टकरा रहे। और मैंने तो कहा था कि भगवान जी तुम दोनों के लिए कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। दादू वाज राइट, देखा अब तुम दोनों का कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वाओ मैन, दिस इज ऑसम। आरवी पूर्वी बोल लिया तूने, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्वी नहीं थी वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। भाई मैं क्यूट दिखता हूँ पर बुद्धू नहीं हूँ, मुझे सब पता है। वो लड़की पूर्वी थी है ना? पूर्वी नहीं थी, बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? पक्का। भाई फिर तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तूने गलती से पूर्वी का नाम ले लिया तो मतलब पूर्वी ने तेरे दिल में घर बना लिया है, बैठ गई है तेरे दिल में वो। वाओ मैन, दिस इज ऑसम, दिस इज इवन मोर अमेजिंग। तू निकल, मुझे बहुत काम करना है। चल भाई अभी तो काम छोड़ने का टाइम है, स्लो डाउन। तेरे को बोला ना निकल, चल निकल। पहले बता भाई, बता ना। गो। प्लीज देख, मैंने बताया ना लुक्स मायने नहीं रखते। अच्छा ठीक है, एक गुड लुकिंग हस्बैंड हो और वाइफ हो और दोनों एक दूसरे से प्यार ही ना करे तो, इसीलिए नहीं चाहिए। और तुझे पता है ना कि लुक्स ना कुछ टाइम तक ही रहते हैं, एक टाइम के बाद सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। तो सूरत से बैठे तो फिर सीरत वाला हुआ ना। तू ना पियो एकदम हाइट से माँ की तरह, कार्बन कॉपी एकदम। अच्छा मैं भी मानती हूँ इस बात को कि मत देखो लुक्स, मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर लड़का पैसे वाला होगा, वेल सेटल्ड होगा तो मत देखो लुक्स। पर अगर पैसे वाला होगा ना लड़का तो कम से कम तेरा ख्याल तो रख पाएगा, तेरी इच्छाओं को, तेरी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। तो पैसा तो देख ले मेरी माँ। दी पैसा जरूरी, नो डाउट बहुत जरूरी, लेकिन जितना जरूरी है उतना मिल रहा है तो बेस्ट है ना, ज्यादा की जरूरत ही नहीं। जरूरत है स्टूपिड। अगर आशुतोष के पास पैसे होते ना तो वो अपनी खटारों से स्कूटी में नहीं घूम रहा होता, एक अच्छी सी कार होती उसके पास। सुन पियो तू अभी समझ नहीं रही, तुझे ना ये बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत मजा आ रहा है, पर पैसे की कीमत बहुत बड़ी होती है। कल को घर खर्चों के लिए झगड़े होंगे, फिर नहीं होंगे दी, मैं मंथली बजट बना लूंगी और उसी में से खर्चा निकाल दूंगी। और रही बात झाड़ू पोछे बर्तन की, तो उसके लिए तो किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। और आशुतोष, उनके मम्मी, उनके पापा, सबको संभाल लूंगी मैं और सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और रात होते ही बाजार चले जाऊंगी क्योंकि रात में सब्जी सस्ती होती है। क्यों तो एक बार फिर से सोच ले दी, पैसों की कीमत होती है, लेकिन मेरे साथ बहुत अलग है। मुझे छोटी छोटी चीजें खुशियाँ देती है। अब आज का इंसिडेंट तुझे पता है आज क्या हुआ? आशुतोष स्कूटी चला रहे थे, लेकिन रास्ते में ना बहुत सारे गड्ढे हैं, फिर भी उन्होंने संभाल कर चलाई, लेकिन फिर भी हमें धक्के लग रहे थे। तो पता है क्या हुआ? मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा तो मुझे अच्छा लगा। तो पता है मुझे रियलाइज हुआ कि शायद लाइफ भी ऐसी होगी, लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे रास्ते आएंगे गड्ढों वाले, लेकिन तब मैं उन्हें पकड़ सकती हूँ, वो होंगे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और दी, एक लड़की को पति से क्या चाहिए होता है? प्यार, इज्जत, केयर, प्रोटेक्शन। ये सब मुझे आशुतोष जी से मिल रहा है और सच में मैं ना बहुत खुश हूँ और ये सब मिलने इनफ है। मुझे नहीं चाहिए वो बड़ी सी कार जैसे ड्राइवर ड्राइव करे और जब पत्नी को घूमना हो तब पति बिजी हो। थैंक यू। इसीलिए मुझे इतना कमाने वाला पति नहीं चाहिए, मुझे ना बस एक पति के रूप में साथी चाहिए, जीवन भर का साथी, जीवन साथी बस। फिर भी तू एक बार पीऊ। दीदी चलिए, बाहर पंडित जी आए, पूजा के लिए बुलाए। ठीक, चल। अरे चल ना, आजा। चल चल चल, ये कपड़े यहीं रख दे। ओम केशवाय नमः। आहुति दीजिए। मनप्रीत, तुझे तकलीफ हो रही है तो तू दूर चली जा, तेरी सांस अटकने लगेगी, नहीं तो पहले से ही तबीयत नहीं ठीक है। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ये पूजा संपन्न हुई। इस पूजा का होना बेहद जरूरी था। इस पूजा से पूर्वी बिटिया का गृहस्थ जीवन सुखमय होगा। यह अंगूठी तुम्हारा भाग्य है, जिसके हाथों से पहना वो तुम्हारा सौभाग्य और वही तुम्हारा कुमकुम भाग्य है। ये क्यों किया तुमने? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। पंडित जी चरणामृत। मुझे भी। पंडित जी, ये रिंग तो मैं चलती हूँ, ठीक है? कल आऊंगी, अपना ध्यान रखना। खुशी पुत्र, संभल के जाना और जल्दी आना। बाय बड़ी माँ, बाय दादू, बाय चल, बाय 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 मम्मा। सोनी मांग अच्छी नहीं लग रही बेटी, भर लो। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मांग तो सुहागने भरती है, इसका पति जीवित नहीं है। असंभव। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु सत्य को बदला नहीं जा सकता। इस बच्चे की माथे की लकीरें बताती है कि इसके कुमकुम भाग्य की आयु दीर्घायु है। पंडित जी बस कीजिए, जो कुछ भी हुआ है ना वो आपके इन प्रवचनों से बदलने वाला नहीं है। जो पता ना हो उसे सत्य स्वीकार करना घोर अपराध है। प्रभु, प्रभु आपके शिष्य के ज्ञान पे शंका की जा रही है। संकेत दे कि इस कन्या के भाग्य में, इसके कुमकुम भाग्य की आयु दीर्घायु है। संकेत दे प्रभु। जिंदा है वो, इसका पति जिंदा है। जिस जीप से उसे शिफ्ट कर रहे थे वो जीप खाई में गिर गई। लाश मिली है उसकी। जिस जीप से उसे शिफ्ट कर रहे थे वो खाई में गिर गई। लाश मिली है उसकी। रुकिए मैडम, बॉडी का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है, आप इसे नहीं देख सकते। पंडित जी, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए दक्षिणा में तो बोल दीजिए, लेकिन ये फालतू की कहानी मत बनाइए। बहुत जल्द सच सबके सामने होगा, वो इंसान सबके सामने होगा। जय श्री राम। बड़ा मतलब आपकी वाइफ और छोटा मतलब मैं, I mean, मेरे जैसी आपकी बेटी। वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आप, मैं और प्राची, हम तीनों साथ में रहेंगे, एक अच्छे परिवार की तरह, एक हैप्पी फैमिली की तरह। मिहिका, प्राची कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएगी। क्या कभी नहीं आएगी? क्या बोल रही हो तुम? प्राची, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, बट प्राची बहुत अफेक्टेड और दुखी है भाई की डेथ से। ये भी कह रही थी कि वो भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती। जिन्होंने मेरी छूट पे मरहम लगाया ना, उन्होंने आधा बिल भर दिया। उनसे लेने की क्या जरूरत है? हम दे सकते, तू दे वापस के लिए। माँ, मैंने उन्हें कहा था लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन आपको पता है वो बहुत अच्छे इंसान थे। डॉक्टर, क्या हुआ इसे? सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, और ये माँ बनने वाली है। क्या? आई थिंक इन्होंने कुछ दिनों पहले ही कंसीव किया है। इतनी अच्छी खबर मिली। पापा, रणबीर को बताना है। सबसे पहले उससे बताना है कि वो पापा बनने वाला है, ये खबर उसको देनी है। तो उसके पास चलते हैं रणबीर। थैंक यू डॉक्टर। हाँ पुत्र, हाँ हाँ चल। थैंक यू डॉक्टर इतनी बड़ी गुड न्यूज देने के लिए। मिहिका तुम क्या हुआ? रणबीर को मौत की सजा सुनाई है। जिस जीप से उसे शिफ्ट कर रहे थे वो जीप खाई में गिर गई। मुझे तो मौका भी नहीं मिला कि मैं तुम्हें बता पाऊं। हम फिर से माँ बाप बनने वाले हैं। दैट वी आर प्रेग्नेंट। नहीं बता पाए कि पूर्वी आने वाली है जिंदगी में। वो तुम्हारी बेटी है बकरू। नहीं बता पाए। कल तुम्हारी पूर्वी का रोका है। तुम होते तो बहुत खुश होते। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होती। पता है तुम्हें? कल उसकी एंगेजमेंट है। मेरी खुशी की एंगेजमेंट हो गई होगी ना। मुझे क्या पता, मैं तो था ही नहीं। मुझे याद है हमारी आखिरी मेमोरी। आई मिस यू बकलू। आई लव यू। घर पे सबको क्या? सबको कुछ नहीं लगता। सबको पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। माँ पापा बुआ जी सबको यही लगता है कि अक्षय को तुमने नहीं, किसी और ने। और ये सिर्फ मेरे कहने पे नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ। मिहिका भी सबको डे वन से यही कह रही है कि तुमने कुछ नहीं किया। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आई अभी तक। क्या? मिहिका वहाँ पे कैसे आई हुई थी? वो कह रही थी कि वो और अक्षय किसी काम से उसी दिन वहाँ गए थे। और प्राची आई एम सॉरी, मैंने अक्षय के बारे में क्या 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 बोल दिया। मुझे वो अच्छा नहीं। वो एक बहुत अच्छा इंसान था रणबीर। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, बहुत अच्छा दोस्त था। खुशी को लेके भी हमेशा मेरी मदद की है, मेरे साथ खड़ा रहा है बिना किसी स्वार्थ के। वो एक बहुत अच्छा, लेकिन अब शायद प्राची के साथ मेरी जो लास्ट मेमोरी थी वो एक झूठ थी। प्राची ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ये ले, लगा ले। इससे तेरा चेहरा एकदम चमक जाएगा, तू एकदम सुंदर लगने लगेगा। अरे माँ, हल्दी के दिन लगाते हैं हल्दी। आप आज क्यों लगा रहे हो मुझे हल्दी? हाँ, मुझे पता है कि हल्दी के दिन ही हल्दी लगता है, लेकिन किसी को क्या पता चलेगा कि तूने आज ही हल्दी लगाई है और तेरा चेहरा इस हल्दी से इतना चमक रहा है। अरे मेरे कहने का मतलब भी देख, हजारों रुपए फेशियल में लगाने की जरूरत ही नहीं है। घर के बेसन, हल्दी, दही, इनसे ना हजारों रुपए बच जाएंगे। घर के नुस्खे बहुत काम आते। बात समझ मेरी? क्या बात है, तू परेशान लग रहा है, कोई बात है क्या? टेंशन में क्यों है तू? माँ मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है माँ। मुझको ना बहुत चिंता हो रही है उसकी। बनवाने दी मैंने उसको, पता नहीं वो किस हालत में होगी। भाई पैसे जो लगने लग जाए, लेकिन मुझको तो चिंता हो रही है कि वो किस हालत में मुझको ठीक होकर मिलेगी वापस। एक्सीडेंट कैसे हुआ आशु? अरे माँ रोड पे बहुत गड्ढे थे। एकदम से माँ ना मेरी स्कूटी जो है ना बहुत ही उछलने लग गई। एकदम से एक तो गड्ढे आए, फिर जो है कि पूर्वी ने उसका हाथ ना मेरे कंधे पे रखा। फिर पता नहीं मेरी स्कूटी का हैंडल ना जाम हो गया। स्कूटी मुड़ ही नहीं रही थी माँ। फिर सामने से कार आके मेरी स्कूटी में टकरा गई। आशु तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तूने मुझे सब बताया क्यों नहीं पहले? अरे माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी स्कूटी को बहुत नुकसान हुआ है माँ। उसको बहुत लगी है। और पूर्वी को? हाँ पूर्वी का मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी स्कूटी की हालत मुझे देखी नहीं जा रही है माँ। आशु लेकिन पूर्वी का भी तो? अरे माँ मुझे पूर्वी का नहीं पता है, मुझे तो बस मेरी प्यारी स्कूटी का पता है। पता नहीं कैसे ठीक होगी वो। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो। चल हम चाय पीते, तू रिलैक्स हो जा। ठीक है, देख उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, बहुत काम है। मुझे पता नहीं घर का सारा काम कब तक अकेले करना पड़ेगा। कब पूर्वी आएगी? अरे माँ शादी भी हो जाएगी, पूर्वी भी आ जाएगी, लेकिन मेरी स्कूटी का क्या? उसने वादा किया था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझसे बहुत प्यार करेगा, ये सारे वादे किए थे। उसे झूठ बोला ना मुझसे, वो तो चला गया। क्यों किया उसने ऐसा, क्यों किया? प्राची, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटा। भगवान जी ने जो लिखा, क्यों लिखा है ऐसा? मेरे ही भाग्य में ये चीजें क्यों लिखी है? ना खराब लिखा है, खराब लिखा है भाग्य। नहीं बच्चे, तेरा भाग्य खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं है खराब। तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। आज वो तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? उसकी वजह से तेरे पास कितना कुछ है, तेरा पूरा परिवार है तेरे पास, कितने प्यार करने वाले लोग हैं। प्राची, जब भगवान जी एक जगह प्यार कम कर देते हैं ना, तो दूसरी जगह भर भर के देते हैं। हम सब है ना तेरे पास, तुझसे कितना प्यार करते हैं। और रणबीर का अंश, खुशी और पूर्वी, वो भी तो उसी का रूप है ना। तो फिर देखा जाए तो रणबीर है तेरे पास हमेशा। हाँ, ऐसे नहीं रोते। आपको पता है ना, आप रोते हो तो मुझे कितना हर्ट होता है, मेरा कितना दिल टूटता है। अब आप चाहते हो मैं भी रो। चुप, तू नहीं रोएगी। तू जान है मेरी, समझी? तू ऐसी बातें मत कर तू। हाँ, तो फिर आप भी रोना बंद कर। ओके, मैं नहीं रो रही, नहीं रोऊंगी। हाँ, आपको पता है पापा जहाँ भी होंगे ना, वो आपको ऐसे देख के बहुत हर्ट हो रहे होंगे। और मैं पक्का कह रही हूँ, यहाँ पे आपके आंसू आ रहे हैं ना, वहाँ पे उनके भी आंसू आ रहे होंगे। ये जो आपके दिल का दर्द है ना, उनका दिल भी महसूस कर रहा होगा। हाँ, प्लीज चुप हो जाओ ना, मेरे लिए, पापा के लिए। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, तू परेशान नहीं हो। मेरी जिंदगी हो तुम दोनों। अमृता के लिए दिल और प्यार जुड़कर रिश्ता बनता है, और विराट के लिए दिल प्लस प्यार का रिजल्ट 0। दोनों के लिए रिश्तों की कैलकुलेशन कितनी अलग अलग है ना। आ रहे हैं दो नए किरदार, अलग है जिनके ख्याल। एक का प्यार में यकीन अटूट है, और दूजा माने इश्क ही झूठ है। देखिए हमारे साथ कैसे मुझे तुम मिल गए, आज से हर रोज रात 10 बजे।